अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा ज़हर, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का जो कंटेंट है दैट इज़ द विंटेज केक, जो कि मेरा एक रिसेंटली ऑर्डर था और एज़ पर कमिटमेंट जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि मैं अपने जो है वो ऑर्डर का जितने भी पार्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर कोई केक आता है या कस्टमाइज एनी थिंग कोई भी कस्टमर मुझसे बनवाता है तो मैं अपनी YouTube फैमिली से लाजमी शेयर करूँगी। और आज का जो केक है डैट इज़ द वनीला अलास्का केक, और इसको मैंने जो फिलिंग है वो मेरी ब्लूबेरी फ्लेवर के साथ है, और मैंने जो है वो इसको क्रीम से कवर किया है, और ऑलमोस्ट इसका जो साइज़ है 3 पाउंड से ऊपर ही था ऑलमोस्ट। और ये कोई कस्टमर की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी कि जी हमें इस तरह का केक चाहिए, ये सारा मैंने खुद से बस एट दी स्पॉट मैंने सोचा और बना दिया। और कलर वगैरह भी कुछ नहीं उन्होंने शेयर किए थे, मेरे बड़े ही रेगुलर क्लाइंट हैं ये, और बहुत ही मुझे रेगुलर बेसिस से ये मेरे से चीज़ें बनवाते हैं, और जब भी बनवाते हैं केक्स वगैरह हो गए, डिफरेंट चीज़ें होंगी और काफ़ी कुछ है, ऑलवेज़ हमेशा मुझसे जो है वो इस तरह के ऑर्डर्स बनवाते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा मुझे थोड़ा सा था, क्योंकि ये मैंने वनीला अलास्का केक जो है वो कुछ दिन पहले आप लोगों से शेयर किया था, और उसी को मैंने इस स्पॉन्ज के लिए यूज़ किया इस ऑर्डर के लिए, क्योंकि बेसिकली उनको जो एक मेरा एक जो उनका फेवरेट स्पॉन्ज है जो मैक्सिमम वही स्पॉन्ज मुझसे बनवाते हैं, मैंने इस दफ़ा जो है ना क्योंकि ड्यू टू वेदर जो था मैंने वो वाला स्पॉन्ज नहीं बनाया, क्योंकि एक तो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो रहा था और ऊपर से ये उनका फ्लेवर उनकी तरफ से डिमांड थी कि ब्लूबेरी चाहिए। तो एक्चुअली ये था कि आजकल जो अगर हम क्रीम से या किसी से भी केक रेडी कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो केक जो है ना इधर उधर हिल जुल जाता है, तो बड़ी ही केयरफुली बनाना पड़ता है। तो लेकिन स्पॉन्ज मैंने अपनी मर्ज़ी से बना दिया, बस मुझे टेंशन लगी रही पता नहीं उन लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि रेगुलर उनका जो स्पॉन्ज है वो मैंने नहीं रेडी किया, क्योंकि ड्यू टू वेटेज वाइज और क्रीम केक मुझे था कि हाइटेड मैंने बनाना है तो इधर उधर जो है वो हिल जाएगा, मसला ना हो कोई, तो इस वजह से मैंने फिर ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल केक था, बड़ा इसको रेडी करने में मज़ा आया और कोई मसला भी नहीं हुआ इसको। मैंने आपको जब ये स्पॉन्ज बनाया था तब भी शेयर किया था आप लोगों से, तो लेयर्स आप लोगों के सामने कर दिया मैंने, ऑलमोस्ट 4 लेयर्स थी, हाइटेड केक था ये, ऑलमोस्ट ये जो था ना नियर 3.5 पाउंड का जो केक था ये, ठीक है, उन्होंने तो ऑलमोस्ट 2.5 पाउंड में कहा था, लेकिन जाहिर है मेरे जो स्पॉन्ज की रेसिपी थी ये 4 पाउंड के नियर अबाउट थी, तो मैंने फिर जाहिर है कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि मैं क्या करती हूँ, जाहिर है जानने वाले वो जितने पैसे मांगो दे देते हैं, कभी कुछ नहीं उन्होंने कहा, तो मैंने एज अ गिफ्ट के तौर पर कि चलें कोई बात नहीं, ज़रा हाइटेड केक है प्यारा लगना चाहिए पेरेंट्स वाइज, तो इस वजह से फिर मैंने ना थोड़ा से पॉन्ड जो थे ना वो ज़्यादा कर दिए थे एज अ गिफ्ट उनको। तो बातों ही बातों में मैंने इसको लेयर कर दिया, फिर ये पूरा एक दिन पड़ा रहा, उसके बाद जो है वो मैंने फिर इसको ऑलमोस्ट ये मेरा जो कलर है डैट इज़ द ग्रे कलर मैंने क्रीम में इसको जो है वो किया था, और बड़ा ही प्यारा ये कलर आया था, मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये वाला कलर आएगा, बस एक माइंड में था कि इस टाइप का कलर मैंने लाना है और बहुत अच्छा कलर आया था। तो बस आप लोगों के सामने ही मैंने इसको फाइनल कोट करके तो मैंने रख दिया था, नेक्स्ट डे मैंने इसको रेडी करना था, जिस दिन इसका डिलीवरी टाइम था तब ही मैंने थोड़ा पहले इसके ऊपर डेकोर का काम करना था, लेकिन ये जो अभी मैं रेडी कर रही हूँ, मैं ये रेडी कर रही हूँ विदाउट एसी, बस फैन चल रहा था और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ना वो था। तो बाद में जब मैंने इसको रखा फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखा कि ज़रा ना सेट हो जाए, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, जब मैंने इसको फाइनल लेयर कर कुर के रखा ना तो फिर मैंने इसको फाइनल लेयर भी कर लिया, इसको फ्रोस्ट भी कर लिया, फिर मैंने इसको रखा फ्रिज में, और ये नेक्स्ट डे जब मैंने इसका करने लगी तो इसके ना वो क्रैक्स आए हुए थे, मुझे इतना ही टेंशन हुई, मैंने कहा ये क्या मसला हो गया, तो फिर मुझे समझ आई कि टेम्परेचर बैलेंस हुआ आउट हुआ है, जिसकी वजह से फिर दोबारा मैंने इसकी ना जो आउटर फ्रोस्टिंग है ना एक लेयर दोबारा से की, मैंने कहा ज़रा क्रैक्स तो छुप जाए ना, बस क्रीम के अंदर क्रैक्स आ गए थे, तो बड़ा ही मसला हो रहा था, ज़ाहिर है टेम्परेचर का अप्स एंड डाउन हुआ। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने फिर केक
उठाया और उठा के मैं ले आई इसको, जो है वो हमारा जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे ले आई, वहाँ पे एसी था। फिर मैंने फुल चिल एसी में इस केक को रेडी किया, क्योंकि मिनिमम भी इसको 1.5 से 2 घंटे लग जाने थे इसको डेकोर करते हुए और पिक्चर्स बनाते हुए। तो फिर मैं इसको एसी वाले रूम में ले आई थी, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि कमरा तो चेंज है, ये वो वाला कमरा नहीं है। तो जाहिर है, अब क्या करें, हम बेकर्स को ऐसे ही करना पड़ता है, बस अपनी चीज़ें उठाई और जहाँ पे अच्छा टेम्परेचर मिला वहाँ अपनी चीज़ें, अपना केक रेडी कर लिया। और इतने अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, और केक की चीज़ें भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, जो मतलब चीज़ें आज से कोई 2-3 साल पहले थी वो बहुत अब ट्रिपल बल्कि फोर्थ जो कह लो कि ज़्यादा हुई हुई हैं, एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो फिर जो होम बेकर है वो, उसने तो एक ऑर्डर पे बनाना होता है ना केक, उसने कौन सा कमर्शियली बेक करके हर चीज़ रखी होती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के रखी होती हैं कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए मतलब इस वजह से। तो फिर भी वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं, जो होम बेकर्स होते हैं दे लव, क्योंकि जो बेकर, एक अच्छा बेकर वही होता है जो अपने काम से जो है वो एक इंथूसियाज्म रखता है, एक अटैचमेंट रखता है, और दिल से जो है वो अपने काम की तरफ जो है वो डिवोटेड होता है, तो वही बेकर कामयाब है। अगर कोई ऐसे दिल से नहीं ना काम कर रहा, कोई भी जॉब है, अब मैं बेकिंग की बात नहीं करी, कोई भी जॉब है, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपकी डिवोशन प्लस आपका जो एक दिल और दिमाग है ना, दोनों इस तरफ होने चाहिए। तो मैं आई लव बेकिंग, मुझे इतनी पसंद है कि मैं, हालांकि ये मुझे शौक आज से कोई 5-6 साल पहले ही पड़ा है, और मैं अब अपने सारा पैसा जो है ना वो इसी पे वेस्ट तो नहीं, मैं मतलब कुछ लेना हो, कोई मोल्ड्स, कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो मुझे होता है, बस मेरे पास पैसे आए हैं तो मैं बस इससे रिलेटेड कोई चीज़ ले लूँ, तो इतना मुझे होता है। मेरे कपड़ों की तरफ, जूतियों की तरफ सारा ध्यान खत्म हो गया हुआ है, जस्ट मुझे होता है कि मैं ये वाली चीज़ ले आऊँ, मेरे पास ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, क्योंकि कंजक्टिव तो ऑर्डर्स अभी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आते हैं, साइड बाय साइड तो आते रहते हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि इतना ये बस एक आपका एक लव होना चाहिए, अपने डिवोशन होना चाहिए अपने काम की तरफ, तो फिर आप क्यों नहीं कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। और मुझे उम्मीद है, मैं अभी भी स्टिल अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास स्किल्स हैं और मैं करती हूँ, और जो एक दफ़ा बनवाता है वो लाजमी बनाता है। आप लोग भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाला होता है कि अगर कोई भी मुझे न्यू बेकर या कुछ भी कोई देख रहा है और अगर दे वांट टू मेक एनी थिंग, एनी कस्टमाइज थिंग, तो वो मुझे वहाँ पर जाके मैसेज करके ऑर्डर कर सकता है। ये कस्टमाइज केक के लिए 2 के दिन पहले ऑर्डर कंपल्सरी है, क्योंकि फ्रेश आपको केक चाहिए तो हम चीज़ें जो है वो 1-2 दिन में बेक करके देन उसको साइड बाई साइड ही हम उसको रेडी कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आजकल मौसम भी वैसे है और इसी के बगैर तो चीज़ नहीं हो रहे कम्प्लीट ना। ये मैंने अब कल हिसाब लगा लिया जब ये ऑर्डर मेरा किया है, इसी में हालांकि ये क्लीन केक था, मुझे था विदाउट एसी जो है ना ये तो हो जाएगा, मैं काम कर लूँगी, लेकिन ह्यूमिड इतना ज़्यादा था कि मुझसे नहीं हो पाया। क्योंकि बातों ही बातों में मैंने केक को डेकोर भी कर लिया और फिर ऊपर लिख भी दिया जो भी इनका मैसेज वगैरह था, और बस फिर मैंने कोई ये डिज़ाइन, मुझे खुद भी नहीं पता था मैंने ये बनाया, बस आजकल जो है ये विंटेज केक है वो बहुत ही स्पेशलाइज और फेमस है और वायरल है, लोग डिफरेंट हार्ट्स में, हार्ट शेप में बनवाते हैं, राउंड में बनवाते हैं, बेंडो समटाइम इसी तरह का।